साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 हरि ओम। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 जय श्री राम। सबको नमस्कार। और एक दिन लाखों 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 करोड़ों दिन करोड़ों बार चक्र हुआ है और एक चक्र। अपने छोटे से जीवन में एक दिन बड़ा महत्व का है। हम एक क्षण को उतना महत्व देते नहीं, वो छोटा सा है, बहुत छोटा है, अल्प है, परंतु एक दिन एक महीना एक वर्ष यह बड़ा महत्व का है। अपना जो कुल जीवन है वही छोटा है, तो उसमें एक दिन बड़ा बड़ा भाग है, परंतु निसर्ग में प्रकृति में एक दिन इतना छोटा है, इतना अल्प है, बस वह चलते रहती है प्रकृति। आज एक और दिन बरसात,
अच्छा ठंडा मौसम है परंतु बाहर बरसात है, तो हम अंदर बैठे हैं। आज का पंचांग, आज रविवार, भानुवासरम, आदित्यवार, सौर गणना में दिनांक 15, वृश्चिक मास, वृश्चिक मास दिनांक 15, चांद्रमान में कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आज का दिन शुभप्रदा मंगलदार है। इस आशय के साथ हम आज के विषय में जाए। बस आसुरी संपत्ति का वर्णन, उसका उसकी चर्चा लगभग समाप्ति के दौर पर है। आज इन ए नटशेल, ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, इन ए नटशेल, एक संक्षेप में जो अब तक हुई है उस चर्चा का एक सूत्र में आज एक श्लोक कहा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः, न शौचम न अपि च आचारः, न सत्यम तेषु विद्यते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः, मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः, कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः, ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धम्, इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्ति, इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। अढ्योऽभिजनमानस्मि, कोन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमनान् मदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिताः, मामात्मपरदेहिषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्ति अधमां गतिम्। यहां तक की चर्चा हुई है, उसको आसुरी योनि में मैं धकेलता हूं, उसका जन्म पुनः 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 आसुरी योनि में होता है और वह अपनी आसुरी वृत्ति छोड़ता नहीं, पुनः पुनः वही आसुरी वृत्ति प्रदर्शन कराता है, इसलिए अधम गति को प्राप्त करता है, ऐसा कहे। आज का अगला श्लोक है, इन अ नटशेल, एक संक्षेप में ये पूर्ण पूर्ण विषय को उन्होंने एक श्लोक में लाया। त्रिविधम नरकस्येदम्, त्रिविध त्रिविधम नरकस्येदम्, नरकस्य इदं त्रिविधं, द्वारं नाशनम् आत्मनः। नरकस्य त्रिविधं, इदं इदं त्रिविधं, द्वारं, तीन प्रकार के द्वार नरक के लिए, जो द्वार नरक के अंदर प्रवेश के लिए खुलते हैं, जिस द्वार से हम जाने से नरक में प्रवेश करते हैं,
ऐसे नरक के तीन द्वार, तीन प्रकार के द्वार, द्वारम नाशनम आत्मनः, स्वयं के नाश जिसमें गारंटी है, ऐसे तीन द्वार आकर्षक हैं, परंतु देखा उसके ओर बढ़े और अंदर गए, कदम रखा कि नरक में, त्रि प्रकार के द्वार जो नरक में खुलते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनमात्मनः, जो स्वयं को नाश कराते हैं ऐसे द्वार दरवाजे, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। बस सूत्र रूप में एक श्लोक कह दिया, तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्, बस इसको छोड़ दो, इन तीनों द्वारों को तुम छोड़ दो, अवॉइड, इन्हें अवॉइड करो, छोड़ दो, त्याग कर दो, धरो मत। तस्मात, इसीलिए एतत् त्रयम्, ये तीनों को त्यजेत, छोड़ना अच्छा है, छोड़ दो। यह ऐसा श्लोक है, गीता में ऐसे कुछ श्लोक है। हमारे घर में हम दवाई की बोतलें रखते हैं अलमारी में, पेट दर्द हुआ कि यह दवाई खाया, उल्टी हुई तो यह दवाई खाया, सर दर्द हुआ कि यह दवाई खाया, फीवर हुआ, ताप चढ़ गए तो यह दवाई खाया, तो ऐसे दवाइयां रखे हैं हमारे शरीर के दुख दर्द को जो मिटाते हैं, ऐसी दवाइयां रखे हैं, और उस युक्त, उस दुख दर्द के युक्त अनुरूप वह दवाई हम लेते हैं। उस दवाई को कहते हैं कैप्सूल, एक छोटे से डिब्बा में दवाई बंद है, कैप्सूल। अब जीवन में हमें कुछ समस्याएं होती है, हमारे सामने कुछ समस्याएं खड़े हो जाते। अर्जुन तो भाग्यशाली था, पास में कृष्ण थे, बस कृष्ण से पूछ लिया, उसने उत्तर दिया, और उसने अपने समस्या छुड़ाने का प्रयत्न किया उसके आधार पर। हमारे लिए कौन है? अंदर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, हृदस्थ ऐसा कहता है, हृदय में बैठा हुआ है, तो अंदर का आवाज यह हमारे लिए दवाई है, समस्या, अपने जीवन की समस्या छुड़ाने जो दवाई है अंदर से आती है, अंतरंग का आवाज। परंतु इतनी तूफान मचे हैं अपने अंदर, अपने स्वार्थ के तूफान, काम की तूफान, क्रोध के तूफान, उसमें यह छोटा सा फीका सा वह आवाज हमें सुनाई देता नहीं। तो हम बाहर ढूंढते हैं, तो पुस्तक है, सीडी है, पुस्तक है, ऐसी श्रीमद् भगवद् गीता इस प्रकार के कैप्सूल जिसमें है, जो एकदम एकदम चमत्कारी वह अपने अंदर की समस्या को, अपने अंदर के जो प्रश्न है, संदेह है, उसको छुड़ाने में सामर्थ्य रखने वाले ऐसे कैप्सूल दवाइयां, ऐसे कुछ श्लोक गीता में है। और ये श्लोक हमें हमारे अंदर और हमारे आंखों के सामने नित्य 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 ये श्लोक अपने सामने रहना चाहिए, अपने आंखों से ये
मोझल हो जाना नहीं, बस जहाँ चल हम कार्य करते हैं, हमारे टेबल पर, हमारे गाड़ी के अंदर सामने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने सामने रहना चाहिए, और हमको फिसल जाने से, पथभ्रष्ट हो जाने से, झटके में हम गिर जाने से हमको बचा सकते हैं ये श्लोक। वैसा एक श्लोक है यह श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदम, नरकस्य इदम द्वारम, त्रिविधम त्रिविधम द्वारम, तीन प्रकार के द्वार नरकस नरक के लिए, काम क्रोध तथा लोभ, नाशनम आत्मनः, स्वयं को आत्मा को नाश करने वाले काम क्रोध और लोभ नाम के तीन द्वार, तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ दो। पर यही तीन ही है जो अधिक से अधिक बिकते हैं, मार्केट इन्हीं का है। गीता बिकती नहीं, फोकट में देना पड़ता है, कंसेशन रेट में देना पड़ता है, फिर भी लेते नहीं अधिकांश। बिकते तो काम क्रोध और लोभ। कौन सा फिल्म चलता है करोड़ों करोड़ों, पहले ही सप्ताह में 150 करोड़ वसूली, तो जिसमें नाच गाने हैं, काम है, जिसमें फाइट सीन है, गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लगकर हमको से अपनी कुर्सी के टोक पर बिठा देने वाले ऐसे क्रोध भरे डायलॉग है, तो इस प्रकार यही इन्हीं का मार्केट है। परंतु यहां श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं इनको छोड़ दो। पत्रिका काम के लिए कुछ पन्ने, क्रोध के लिए कुछ पन्ने, लोभ के लिए कुछ पन्ने, टीवी काम के लिए कुछ समय, कुछ कार्यक्रम, क्रोध के कुछ कार्यक्रम, लोभ के कुछ कार्यक्रम, काम के चैनल, क्रोध के चैनल, लोभ के चैनल, और करोड़ों का व्यापार है। और इसके बीच में अपने मन शांति प्रायश्चित के नाम से थोड़ी सी अध्यात्म के कार्यक्रम, भजन के कार्यक्रम, योग के कार्यक्रम, सुबह सुबह सूर्योदय के समय ऐसे कुछ कार्यक्रम आधा घंटा दिखाकर दिन भर फिर काम के कार्यक्रम चलते हैं। अगस्त 15 देशभक्ति का दिन, तो देशभक्ति के कुछ कार्यक्रम हो गए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और अपना कर्तव्य निभा दिया देश के लिए, और फिर सिनेमा फिल्म और काम क्रोध लोभ प्रारंभ हो जाता है। काम चित्र रूप में, लेख रूप में, कानों के लिए, अरे उस गांव में ऐसा हो गया, एक व्यक्ति ने एक अबला नारी को मान भंग कर दिया, चार व्यक्तियों ने मिलकर, और कैसे कैसे किया ऐसा उसका वर्णन, किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थिनी का, बच्ची का मान भंग कर दिया, तो ऐसे समाचार, और ऐसे समाचार इतने विस्तार से, और लोग सुनते भी हैं, देखते हैं, और ऐसे ही समाचार अधिक देखे जाते हैं। कहानियां, उस पूरे 5 पन्ने के कहानी में एक छोटा सा एक दृश्य जिसमें वर्णन है उसका चित्र, तो चित्र देखकर कहानी उस कथा को पढ़ने लगते हैं, काम काम के आधार पर।
और लोगों को अपने पत्रिका बेचना है, खरीदने लगाना है, अपने पत्रिका के साथ चिपके रखना है, तो बचपन में एक घटना है, याद है, राष्ट्रदूत नाम से नागपुर में एक पत्रिका बेची जाती थी, 1 रुपया या 2 रुपया उसका कीमत था, 1 रुपया, बस 1 रुपया। तो बस में वह लड़का जो बेचने आया, हाथ में कुछ 50 पन्ने रखे हुए, 2 पन्ने का पत्रिका थी वो, महिला पर मान भंग, मतलब महिला पर अत्याचार, एमएलए कैद, महिला पर यौन यौन अत्याचार और एमएलए कैद, पढ़िए 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 पढ़िए। तो हमारे बस में जितने 50-60 लोग बैठे हुए थे, लगभग 5-6 को छोड़ा तो सब सबने खरीद लिया, और फटाफट सबको वह इतने तेजी से बेचा, सबने 1-1 रुपया दिया, वह चला गया, उतर के चला गया, 50 पत्रिका बेच दिया। लोगों ने पढ़ा, वही तो, वही तो पन्ने हैं पलटा पलटा के, ये समाचार कहाँ लिखा है, पढ़ने की इच्छा। तो एमएलए कैद यह अलग समाचार था, सामने के पन्ने में था, और महिला पर अत्याचार यह अलग समाचार था। उसने दोनों को एक साथ बोला और 50 पत्रिका बेच के चला गया। वह बेचा, यह इच्छा जो है, अरे क्या, कौन कौन सा एमएलए, कौन सी महिला, ये इच्छा, यह काम की वासना। क्रोध, मैं तो कहूंगा कार्टून नेटवर्क से बुरा कोई चैनल है तो वह अपना समाचार चैनल, न्यूज़ चैनल, इतने क्रोध भरे, सब इतने क्रोध भरे कार्यक्रम, हिंसा के कार्यक्रम, आक्रोश के कार्यक्रम, जितने आक्रोश में सरकार के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में बोलोगे, जितने भड़काओगे आक्रोश के आवाज के साथ, द्वेष भड़काओगे, उतने ही वह स्वागत है, तुरंत माइक आ जाता है सामने, और सरकार के विरोध में इस प्रकार है, रोष है, आक्रोश है, और फिर यह चाय पीजिए, यह कॉफी पीजिए, उसके विज्ञापन। यदि समाज सेवा है, लोगों को समाज में जो अवस्था है उसका सही चित्रीकरण लोग तक, जन तक पहुंचना चाहिए, ऐसी हमारी कोई ध्येय है, लक्ष्य है, और समाज सेवा से प्रेरित या टीवी चैनल चला रहे हैं, पत्रिका चला रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार के विज्ञापन। यहाँ समीप में एक वह कुआं के अंदर एक बच्चा फंस गया, 3-4 दिन चला, कल यहाँ आए थे गीता सुनने, उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा, कहे कि उसको इतना पैसा क्यों दिया। मैं बोला तुम क्यों देखते रहे इतने 3 दिन, सभी देखते रहे, और वह कैमरा दिखाते हुए पीछे में हर 5 मिनट में एक विज्ञापन वसूली कर दिया, विज्ञापन में 10 सेकंड के लिए 2 लाख, 5 लाख, और जनता देख रही है बहुत बड़ी संख्या में, तो विज्ञापन और लोगों ने दिया, इतने अधिक विज्ञापन उसमें। यहाँ बच्चा मर रहा, उसका समाचार, और फिर उसके साथ साथ 1 मिनट में विज्ञापन, तो उसने तो पैसा कमाया, वहां टीवी चैनल, वहां कोई सेवा नहीं किया। हमारे के काम वासना को, हमारे मन में जो इस प्रकार सुनने की जो इच्छा रखते हैं, उसमें हमारी कोई करुणा भाव नहीं, यह केवल एक जिह्वा के लिए रुचि रुचिकर कोई भोजन करने जैसा, चटपटा कोई वड़ा खाने जैसा, हमारे लिए यह एक भोजन है कान के लिए, ऐसा समाचार। अरे सुना, एक बच्चा इस प्रकार मर गया, और फिर थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दे, अरे बेचारा बेचारा, ये बेचारा तो केवल शब्द है, भावना तो ऐसे गंदगी,
खुदेरने की, गंदगी को चाटने की वृत्ति है, विकार विकार है, उसको भोजन देता है टीवी चैनल या पत्रिका काम और क्रोध के आधार पर। और विज्ञापन यह लोभन है, एक टीवी खरीदा तो एक एंटेना मुफ्त, एक 10 किलो चावल खरीदा, जो अपना शक्कर खरीदा तो एक चम्मच मुफ्त, जो भागते हैं मुफ्ती के लिए, जो फुकट में मिलता है उसके लिए, एक छोटा सा प्लास्टिक का कुछ होता है उसके लिए भागते हैं। पश्चिम में मैंने देखा है वो वहां पत्रिका इस प्रकार खरीदने की प्रथा नहीं है, फुकट में हर घर में पत्रिका छोड़ जाते हैं, तो उसमें समाचार बहुत कम होते हैं, विज्ञापन बहुत अधिक होते हैं। विज्ञापन में फिर टोकन होता है, यह टोकन लेकर आइए, इस मॉल में आई है, ये इस स्टोर में लाइए, तो इस टोकन में आपको 5% पैसा कम मिलेगा, इसमें 7% में कम डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे टोकन फिर काट के रखते हैं, सब जमा के रखते हैं, और जब जाते हैं तो वहां जाके ये 2 पैसा और 5 पैसा के लिए वहां जाकर खरीद के लाते हैं। लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, और ये सब मिलाकर है अपने फिल्म, एक कोई पिक्चर है, ये तीनों को सही मिश्रण किया तो वह यशस्वी पिक्चर है, बड़ी वसूली करने वाली पिक्चर है। जैसे उस दिन कह रहा था लिप्टन चाय का विज्ञापन, अपने अंदर के काम को उत्तेजित करते हुए, वह दो वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे के घर में गया है, वह चाय बनाने बैठा तो यह दूसरा वृद्ध व्यक्ति कहता है मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे क्यों? तो वह अपने गले पर पहने हुए डॉलर को दिखाता है, पत्नी देख रही है, डॉलर में उस पत्नी का चित्र है, पत्नी देख रही है, आपके घर में आप मांसाहार खाते हो, बर्तन सब मांस के बने हुए बर्तन हैं, तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। पिया, पत्नी देख रही है डॉलर से, फिर उस चाय बनाता है तो उसका सुगंध आता है, तो सुगंध में इतना मोहित हो जाता, वह अपने डॉलर को उतार के रख देता, मेज पर उल्टा रख देता और कहता है मेरे लिए भी एक चाय बनाओ। अरे पत्नी देख रही, नहीं, मैंने उसको छुपा दिया, उसके मुंह बंद करा दिया पीछे। तो अपने अंदर के प्रलोभन, लोभ और काम को उत्तेजित करने वाले ऐसे विज्ञापन, एक विज्ञापन के अंदर ही सभी है, काम क्रोध लोभ। कोई फिल्मी सितारे को लाया घर में और एक संडास कार साफ करने वाले के एसिड बेचने के, तो अपने घर की महिला, अपनी पत्नी ऐसे ऐसे पिघल जाती है, वह आते तो अरे अक्षय इतने अवश्य अपने घर में आ गए, जैसे फुलकांकित हो गए, बस कोई फिल्मी नट आ गया हमारे घर में तो ऐसे हर्षित हो गए, भाग्यशाली समझा अपने आप को। एक सन्यासी आता है, एक उच्च स्तर का कोई, मानसिकता का कोई आत्मा महात्मा आता है, तो उसमें इतने हर्षित होते नहीं, फिल्मी नायक आ जाता है तो इतना वह चिल्लाती है हर्षित, और वह आया है संडास के एसिड बेचने। तो अपने अंदर यह जो काम है उसके साथ चित्र, फिर वहां दिखते हैं आपने यह खरीदा तो इसमें से जो भाग्यशाली है उसको इस नट के साथ, इस फिल्मी हीरो के साथ, इस फिल्मी नटी के साथ भोजन का अवसर मिलेगा, तो उसके साथ चिपक के थोड़ा सा उसके उसके त्वचा को ऐसा छू के भोजन करने का लोभ को बढ़ाकर कोई विज्ञापन, लाखों लोग खरीदे तो उसका व्यापार चल गया।
ऐसे काम क्रोध लोभ यही बेचे जाते हैं, इसी की बिक्री है, इसी का बाजार है। दान देना है तो भी लोभ, दान करो, रसीद लो, और रसीद का नंबर फिर हम लॉटरी लगाएंगे, तो लॉटरी में जिसको मिलेगा उसको, उसके बच्चे को फुकट, कोई विद्यालय चला रहे हैं तो उसको फी माफ, या फिर 5,000 10,000 उसके लिए भेंट। तो दान देना है, कोई धार्मिक कार्य है उसके लिए प्रलोभन लोभ, वे आपको लॉटरी में पैसा मिल जाएगा, दान दो दान दो। गुंडागर्दी के साथ वसूली, वह क्रोध, आते हैं 10-12 लोग आते हैं वसूली करते हैं। जो रास्ते पर हमारे वहां महाराष्ट्र में एक एमएलए बना है नागपुर में, अब तो वहां एमएलए बन गया तो उसका अराजकता तो और बढ़ेगी। बीच रास्ते पर दुर्गा बैठाता है, 1-2 महीना चलता है, दुर्गा पूरे सबको सरदर्द देता है, पूरे सबके दुकान व्यापार बंद करा देता है, पूरे रास्ते को बंद करा के, बड़ा रास्ता 1 महीना पहले से बंद होता है, और उसको खोलने में 10-15 दिन और लग जाते हैं, 10 दिन के नवरात्रि, तो 1-1.5 महीना वहां चलता है। सभी को त्रास, राक्षस जैसे दुर्गा का कोई पूजा करता है वैसा वह दुर्गा का व्रत रखता है, ऐसा कहते हैं। और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, एमएलए एमपी मिनिस्टरों को बुला देता है आरती में, और भगवान के डर से लोग भी जम जाते हैं। अभी वह तो स्वयं एमएलए बन गया तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा, उसको कोई यह इस विषय को रोकने का प्रयत्न कर नहीं सकेगा। 1 महीना पूरे नगर को त्रास देकर कोई राक्षस अपना तपस करता है, जैसा वह बीच रास्ते पर दुर्गा बिठाकर सभी को त्रास देता है। और वसूली कैसी होती है, उसके 15 गुंडे जाते हैं दुकान में जाकर, इतने लोग आते हैं तो दुकानदार डरता है, हमको तो यही लेना है, यही व्यापार करना है, तो दे डालते हैं। उसके ऊपर कोई प्यार नहीं, कोई दुर्गा के ऊपर भक्ति नहीं, बस ये गुंडागर्दी के लिए दे। तो क्रोध, क्रोध के आधार पर, लोभ के आधार पर, काम के आधार पर, और इनकी बिक्री है, इनका ही राज है। काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीनों को छोड़ दो भाई, ये तीनों नरक के अंदर प्रवेश करने वाले द्वार हैं, ऐसा कहते हैं। बड़ा मार्मिक यह श्लोक है, एक कैप्सूल है अपने जीवन में, हमको मार्गदर्शन करने वाला एक कैप्सूल है। बस यह तो कंठस्थ अपने अंदर रखना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदम् द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज। छोड़ दो इसे। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्थिरभिर्नरः आचरति आत्मनश्रेय ततो यान्ति पराम गतिम्। उसको परम गति मिलती है जो इनको छोड़ दिया है। तमो द्वारैः, ऐसे द्वार जिस जो अंधेरा में खुलते हैं, जिसके अंदर प्रवेश होकर हमको अंधेरा से जाना पड़ता है, अंधेरा में रहना पड़ता है, तमो द्वार ही, तमो द्वार ही, इसको छोड़ते जो देता है इन द्वारों को, वह परम गति की प्राप्ति कराता है, परम गति की प्राप्ति करता है, ऐसा यह दैवासुर संपद विभाग इसके चर्चा यहां समाप्त करते हैं। एक प्रश्न उठता है, हमको काम परिवार चलाने, संसार में जीने के लिए काम की आवश्यकता है, संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता है, गृहस्थी बसाने के लिए
कुछ पैसा कमाना चाहिए, धन का अर्जन करना चाहिए, ऐसे काम की आवश्यकता है, घर बना लेना चाहिए, उसके लिए पैसा जमा के रखना चाहिए। तो घर बनाने की सपना यह काम है, तो इस काम की तो आवश्यकता है संसार में, सभी थोड़ी सन्यासी बन सकते हैं। तो एक बात कहेंगे, श्री कृष्ण ने भी कहा, जो धर्म के विरुद्ध है नहीं, ऐसा काम यह मेरा ही स्वरूप है। धर्म अविरुद्धो काम अस्मि, मैं हूं वह काम जो धर्म के विरुद्ध है नहीं। धर्म अनुकूल जो काम है वह ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हम मंदिरों में जो गोपुर है उसमें काम के शिल्प रखे हैं। काम यह गंदा नहीं, यह काम यह अधर्म नहीं, काम यह नैसर्गिक है और संसार चलने आवश्यक यह साधन है, प्रवृत्ति है। उसकी अति हो जाती तो वह असुरी होता है। तो संसार चलाने जो काम आवश्यक काम है, धन अर्जन करना है, संपत्ति बनाना है, अपने लिए एक सुरक्षित घर बनाना है, शारीरिक संभोग करना है, पुत्रों का उत्पत्ति करना है, उनके विषय में काम रखते हुए उनके लिए आवश्यकताओं बढ़ाने के लिए कोई धन के आय में वृद्धि हो जाए उसके लिए प्रयत्न करना है। तो यही जीवन है। ये विषय आध्यात्मिक साधकों के लिए यह आग्रह से यह पालन करने विषय है, सन्यासियों के लिए है, और सभी सन्यासी है नहीं, अन्य अन्य बाकी सब इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। 60-70 के आयु में इसमें परिपक्व हो जाएंगे, उसके बाद फिर जीवन में इस प्रकार रहेंगे। तब तक तो काम मिश्रित जीवन ही चलेगा, और जीवित है तो हम काम तो है, हमारे भूख लगी तो खाना खाना है, खाना प्राप्त हो जाए यह भी एक काम है। तो ये धर्म के विरुद्ध है नहीं, और ये इसलिए ये परमात्मा के ही स्वरूप है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। उसी प्रकार क्रोध अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी अबला के ऊपर, किसी दुर्बल समाज के ऊपर, कहीं सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, नाश होता है, गुंडागर्दी होता है, उसके विरोध में क्रोध तो आना ही चाहिए। क्रोध आया नहीं तो कोई हम भैंस है जिस पर कोई प्रतिक्रिया होती नहीं, समाज जल रहा और हम अपने घास खा रहे, तो हम तो भैंस नहीं, हमारी जीवित भावना है, तो हमको क्रोध तो आएगा ही। स्वयं के ऊपर जो अत्याचार होता, अन्याय होता, उस क्रोध उसको शमन कर दो, उसको शांत कर दो, और जो क्रोध चढ़ाने वाला व्यक्ति को क्षमा कर दो। परंतु समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, कन्या के अपनी माता के ऊपर, नदी निसर्ग के ऊपर अत्याचार करने वाला, शोषण करने वाला, ऐसे विषय देखा तो उस पर क्रोध तो आना ही चाहिए। अपने अपने बल के अनुसार उस क्रोध को दिखाओ, कोई केवल वोट देता है उस समय क्रोध को दिखाओ, यदि शरीर अपना आग्रह और दृढ़ता है तो सामने खड़े रहकर क्रोध को दिखाओ, कोर्ट में पिटीशन डालकर पुलिस को लाकर क्रोध को दिखाओ, वर्षानुवर्ष उसके विरोध में वह लड़ाई चलाओ, अपने अपने शक्ति और अपने वृत्ति के अनुसार उस क्रोध को दिखाओ। परंतु क्रोध तो आवश्यक है, हम सब गौतम बुद्ध नहीं, सभी को समान नियम में बांधने के प्रयत्न जिस जिस संप्रदाय ने किया, जैनी संप्रदाय ने किया, बौद्धी संप्रदाय ने किया, तो वे सब फेल हो गए, अपयश हो गया उन्हें, क्योंकि सभी एक ढांचे में ढले नहीं जा सकते। आज जैनी है, अहिंसा ही उसका उसका आधार है,
परंतु वे व्यापार करते हैं, चमड़े का व्यापार करते हैं, जूते का व्यापार करते हैं। यहां जैन साधु को खिला दिया, दान दे दिया मंदिर में 5 लाख, वो नीलामी होती है ध्वज के लिए और स्वागत के लिए, तो नीलामी में 5 लाख 15 लाख दे दिया। परंतु व्यापार में तो यह त्वचा के व्यापार, कब्रस्तान वह जो काट काटने का और फिर जूते बनाने का, उसमें बड़ा पैसा है, तो उसमें तो है, गृहस्थी है, कहीं ना कहीं धनार्जन करना है। केवल उससे कहा जा सकता, बहुत अधिक अन्यों को अत्याचार करके पीड़ा देकर धनार्जन मत करो, बस इतना ही हो सकता है। तो सभी के लिए ये नियम नहीं, ये तो सन्यासियों के लिए है, अध्यात्म मार्ग पर जो है उनके लिए यह नियम आग्रह से कहा गया। अन्य सभी के लिए जो आवश्यक मात्र काम क्रोध लोभ, जो आवश्यक जितने मात्रा में जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, उतने मात्रा में वह रहे और बंधन के अंदर रहे, सीमा के अंदर रहे, तो वह कोई बड़ा अन्याय नहीं। यह हमको इस प्रकार के तारतम्य, इसका बैलेंस, समतुल रहना पड़ेगा, संतुल रखना पड़ेगा। अति आग्रह, मैं अभी खुले बदन से हूं, तमिलनाडु में हूं तो खुले बदन से हूं, कहीं हिमालय पर गया तो मैं इस वेश में नहीं रह सकता। उस काल के अनुसार, वहां के प्रदेश के अनुसार, समय के अनुसार हमको तो परिवर्तन कुछ कुछ ऐसे कुछ लाना ही पड़ता है। ऐसे सभी के लिए एक नियम, सभी स्थान के स्थान में एक ही नियम, सभी समय में एक ही नियम, ऐसा हो नहीं सकता। तो यह जो इसका कोई फॉर्मूला बाहर से कोई दे नहीं सकता, इसको हमको स्वयं को बांधना है, स्वयं को ही निर्णय करना है कितनी मात्रा में रहे, कितना यह अनिवार्य है, ऐसे यह निर्णय हमको स्वयं को लेना है। इसलिए एक टोक के स्थिति न लेते हुए इसे समझे, परंतु इनसे जागृत रहे, काम क्रोध लोभ इसमें हम फंस न जाए और नाश न हो जाए, बस यही श्री कृष्ण का यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो हम यहाँ हम समाप्त करें, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से हम इसे कल आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार नमस्कार।